बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जो 2002 दंगों के ऊपर है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरीके से चर्चा की गई, चित्रण किया गया और जो टिप्पणी की गई उसको लेकर देश में काफी विवाद है। शायद इसी विवाद को लेकर सरकार ने एक अघोषित इस डॉक्यूमेंट्री पे बैन भी है और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे बाकी साइट्स हो, वहां पे इसको हटा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अघोषित बैन का एक उल्टा जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है बहुत सारी जगह में। केरल में एक तरफ कांग्रेस पार्टी, ये पहली बार, और केरल कांग्रेस से एके एंटनी साहब के पुत्र ने कल इसी डॉक्यूमेंट्री के चलते जो उनपे दबाव था कांग्रेस को भी छोड़ा, वह कांग्रेस पार्टी ने आज इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाया, शानमुगम बीच पर लोगों को दिखाया गया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेफ्ट स्टूडेंट विंग जो है SSFI, उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। आपको याद होगा कि कैसे इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर JNU में इतना बवाल हुआ, उसके बाद जामिया में काफी हंगामा रहा। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बैन कह लीजिए आप, जो भी है ऑर्डर है कि ये डॉक्यूमेंट्री का लिंक्स जो है उतारे जाए सोशल मीडिया वेबसाइट से। लेकिन यहाँ पे जो है SFI द्वारा, जो लेफ्ट पार्टीज का स्टूडेंट्स विंग है, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस वक्त हम हैं। यहाँ पे जैसे आप दिल्ली की बात कर ले, जो आपने देखा है, जो जिस तरीके से पुलिस कैंपस में आए हैं, या क्लैंप डाउन जिसे हम कहते हैं जो हुआ है, वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। ये जो स्क्रीनिंग है ये SFI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे छात्र जो है इस जो डॉक्यूमेंट्री है BBC का, जिसको BJP की तरफ से कहा गया है कि ये कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी है प्रधानमंत्री को डिफेम करने का, और दूसरी तरफ से उनको क्लीन चीट मिला है कोर्ट से, लॉ ऑफ द लैंड सबसे सुपीरियर होता है, ऐसे BJP की तरफ से कहा गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छात्र है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्क्रीनिंग का तैयारियां आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, स्क्रीन लगाए गए हैं। इस वक्त इस साइड भी है, जो छात्र है वो भी इस मूवी को देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे छात्र इकट्ठे हुए हैं और ये जो स्क्रीनिंग है इसको लेके एक विवाद जरूर है पूरे देश में। विवाद ये है कि जो प्रधानमंत्री के समर्थक है वो कहते हैं कि देखिए, उनको लॉ ऑफ द लैंड या जो जुडिशरी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से उनको क्लीन चिट मिला है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था, SIT बनाया गया था, जिनके सामने वो खुद आके उनके सारे सवालों का जवाब दिया है। तो इसके बाद भी ये जो डॉक्यूमेंट्री है जो बनाया गया है, ये एक कॉलोनियल कंस्पिरेसी के दायरे से वो देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इसे नहीं रोका जाना चाहिए। अगर किसी को लगता भी है ये झूठा है, ये कॉन्स्पिरेसी है, आप किसी को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने से रोक नहीं लगा सकते। ये एक हिस्सा जो है, जो SFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है और इसीलिए वो कहते हैं कि उन्होंने ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। छात्र बहुत सारे यहाँ पे है, स्क्रीनिंग का तैयारी भी हो रहा है, प्रोजेक्टर भी लगाया गया है। अब जैसे हम दूसरे जगहों पे देखे, दूसरे विश्वविद्यालय में देखे हैं कि कई जगहों पे पावर कट कर दिया गया या इंटरनेट कट कर दिया गया, या पुलिस की एक जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पुलिस नहीं है। यहाँ पे स्क्रीनिंग अब तक तो लग रहा है कि होने वाला है और हम जादवपुर यूनिवर्सिटी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। सौरभ ये रिपोर्ट दे रहे थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, वहां पर TMC की सरकार भी है, लेकिन इस पर राजनीति की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। पर कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि क्या जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री कुछ भी कहती हो, भारत एक मजबूत देश है, उस पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, प्रधानमंत्री की इमेज पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, और बैन करने से शायद एक काउंटर प्रोडक्टिव, एक उल्टा असर इसका पड़ रहा है, और छात्र जो है, कम से कम लेफ्ट लीनिंग छात्र जो है, वो और बढ़ चढ़ के इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद नया खड़ा हो रहा है।